हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं IBPS का कैलेंडर फॉर ईयर 2024 एंड 25। तो IBPS, जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ कि IBPS हर साल जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है उसके लिए एक नोटिफिकेशन के तौर पे एक कैलेंडर रिलीज़ करता है, जिसमें वो टेंटेटिव डेट्स बताता है कि कौन से एग्ज़ाम्स कब कब शेड्यूल हो सकते हैं, तो हमें एक आइडिया आ जाती है। तो इस कैलेंडर को अगर हम देख ले तो सबसे पहले RRB के एग्ज़ाम्स से स्टार्ट होगा, जो कि अगस्त में प्रीलिम्स वगैरह हो गए, एंड देन सितंबर में मेंस है, एंड अक्टूबर में ऑफिस असिस्टेंट की मेंस है, एंड जो सिंगल लेवल एग्ज़ाम होते हैं फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3 तो वो हमारे सितंबर में ही हो जाएंगे। एंड जो IBPS PO होता है, जो नेशनलाइज बैंक्स के लिए एग्ज़ाम होती है, तो उसके भी एग्ज़ाम सिमिलरली अगस्त में ही स्टार्ट हो गए, प्रीलिम्स एंड सो ऑन चलते जाएंगे। वैसे तो ये लाइनअप ही होते हैं, बट ओवरलैप नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली IBPS इज़ कंडक्टिंग ऑल द एग्ज़ाम्स, तो इसलिए ओवरलैपिंग की टेंशन नहीं होती है इनमें। जो इस साल बहुत प्रॉब्लम हुआ था SBI के साथ एंड IBPS के साथ, तो वो नहीं होगा इसमें, इसलिए आप ये डेट्स देख लीजिए अच्छे से। एंड देखिए, IBPS का कैलेंडर आके बहुत दिन हो गया, एंड आप में से कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कुछ नया वीडियो बनाओ यार, इतना पुराना मतलब टॉपिक लेके आ रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि इतने दिन हो गए हैं कैलेंडर आके, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हुए होंगे 7 दिन या 10 दिन, तो अगर इतने दिनों में अगर हो गए हैं तो क्या आपने आपका शेड्यूल क्रिएट कर लिया है, या फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि क्या आपकी अप्रोच होने वाली है इस साल एग्जामिनेशन के लिए? तो नहीं ना, मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा नहीं यार, अभी तो हम सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम है, अगस्त तो बहुत दूर है, अभी तो सिर्फ फेब है। तो देखिए, ऐसा ही होता है हर साल बहुत सारे एस्पायरेंट्स के साथ। एंड अगर आपने फिर अपना शेड्यूल डिसाइड कर लिया होगा, आप उन लोगों में से हो जिन्होंने शेड्यूल डिसाइड कर लिया एंड प्रिपरेशन भी उसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिए, तो आपको इस साल सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये लिख के ले लो। बट जिन्होंने नहीं किया है उन्हीं के लिए ये वीडियो है, बिकॉज जहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कुछ कुछ लोगों को वो नहीं पता होता है कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, बिकॉज न्यू कमर्स भी होते हैं कुछ, एंड कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं या डिसहार्टन्ड होते हैं उनके प्रीवियस रिजल्ट्स को लेके, जो अभी रिजल्ट में लगे थे, या फिर कुछ लोगों के दूसरे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, लाइक पैरेलली टारगेट करते हैं एग्ज़ाम्स बैंकिंग के साथ, बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम्स भी टारगेट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो वैसे होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये साइड में हो जाता है। तो वैसे नहीं होने देना है इस बार हमको एंड हमारी प्रिपरेशन स्ट्रिक्टली स्टार्ट करनी है, बिकॉज अगर आप अभी देखोगे तो अभी फेब्रुवरी है, फेब्रुवरी तो इतना सा है यार, शेड्यूल वेड्यूल बनाते बनाते ख़त्म हो जाएगा वो, एंड उसके बाद फिर मार्च टू लेके अगस्त हम देखेंगे तो पाँच ही मंथ्स बचते हैं, उसमें भी आप देखोगे तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आने के बाद तो वो पीयर प्रेशर अलग हो जाता है। तो अगर आप मोटा मोटा देख लोगे तो 4 ही मंथ्स है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई में तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा समझो। तो ये 4 मंथ्स में ही हमको प्री भी करना है, मेंस भी करना है, सब कुछ ही करना है, एंड प्रीवियस गलतियाँ जो हमको आइडेंटिफाई हो चुकी होगी वो रिपीट भी नहीं करनी है, एंड अगर आइडेंटिफाई नहीं हुई है अभी तक तो उसे आइडेंटिफाई भी करना है, इतना सब कुछ करना है 4 ही महीनों में। तो इसीलिए एक भी दिन एक्स्ट्रा वेस्ट ना करते हुए आप अपना शेड्यूल बनाइए एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रिक्टली स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको शेड्यूल में कुछ हेल्प करूँ, या फिर कुछ बताऊँ कि मैंने अपना शेड्यूल कैसा बनाया था, या एक आइडियल शेड्यूल, आइडियल तो नहीं बोल सकते बिकॉज सबके लिए अलग अलग वर्क करती है चीज़ें, बट एक ऐसा प्रॉपर वे कि आपको किस अप्रोच तो सेम होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स की, हम बोल सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में वो पढ़ते हैं, या ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके वर्कआउट करते हैं उस पर, तो उसमें मैं शायद कुछ हेल्प कर दूँ। तो अगर आपको चाहिए होगा वैसा कुछ तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। बट फिलहाल के लिए ये था आपका कैलेंडर, एंड ये था वीडियो, एंड ये थी मैं, एंड इसी के साथ आप इस वीडियो से मैं समराइज़ कर देती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उसका समरी यही है कि आपको सबसे पहले शेड्यूल क्रिएट करना है, एंड उसके बाद जाके जो भी सिलेबस है अगर न्यू कमर है तो वो देखना है, एंड उसके बाद अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट एनी प्रिपरेशन। अगर आपको कुछ भी सिलेबस नहीं पता, कुछ नहीं पता, आप जाके एक दो मॉक टेस्ट दे दो यार, फ्री वाले जो भी अवेलेबल है, तो आपको ना एग्जाम पैटर्न भी पता चल जाएगा, साथ में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी पता चल जाएंगे, साथ में हमें वो क्वेश्चन देख के क्या फील हो रहा है, या हमें जमेंगे या नहीं जमेंगे, वो भी इंस्टिंक्ट एक आ ही जाएगा। डरना नहीं है, डेफिनेटली प्रिपरेशन अगर बिल्कुल स्टार्ट की है तो नहीं जमेगा हमें, बट उसके लिए मैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सजेस्ट करना चाहूँगी, जो कि 2024 के आ चुके हैं IBPS RRBs के लिए,
तो RRB PO एंड RRB क्लर्क दोनों एग्जाम्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है मॉक टेस्ट, तो आप जाके ये फ्री मॉक टेस्ट दे दीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड ये मॉक टेस्ट देने के बाद ज़रूर से आपके स्कोर कमेंट्स कर देना, ताकि आपको भी एक पता हो कि उस दिन मैंने जब कमेंट किया था तो मेरे ये स्कोर थे। एंड जब फ्यूचर में आप दूसरे मॉक टेस्ट दोगे तो आपको फिर डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट, एक कंपेरिजन करने में अच्छे से याद रहेगा कि मैंने तब किया था तो इतना था, अभी इतना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशंस। थैंक यू।